हाय गाइस, सो वी आर हियर एट हाय गाइस वी आर एट सेवन स्टोन्स और मैं थोड़ी दुखी हूँ. वेल आई लॉस्ट समथिंग एंड द लॉस इज इररिपेरेबल. या आई लॉस्ट वेरी गुड स्कार्फ फर्स्ट ऑल व्हिच वाज रियली नाइस. बट ठीक है, कुछ पाने के लिए शायद कुछ खोना पड़ता है. और अब हम आ गए हैं यहाँ पे. बहुत बढ़िया जगह यार, शानदार जगह है. क्या नाम है इसका? वेट अ मिनट, सेवन स्टोन्स रानी खेत के पास है. ये देखिए हमारे पीछे. बाकी बहुत कूल जगह है, बहुत बहुत अमेजिंग. हाय एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. और ये दिवाली की लाइट्स लगाते हुए दो नौजवान हेलो तो बोलो गुड्डू मामा. गजब बेइज्जती है. अभिनव मामा मेला दिया. हाय, वी आर व्लॉगिंग. ये है हमारे कफड़ा की पूरी भाखली, आप देख सकते हो नजारा. धूप काफी अच्छी आई हुई है, दिवाली का टाइम है. खुशी लुक है, से हाय. हाय एवरीवन, तो आज मैं आई हूँ, बताओ कहाँ पे. ये है चकोटिया गिवाड़ घाटी. हाँ? अल्मोड़ा जिले में ये हमारा चकोटिया ब्लॉक है और तहसील चकोटिया है. तो यहाँ पे जो चकोटिया में जो यहाँ की विशेषताएं हैं वो मैं बताता हूँ आपको. यहाँ पे रामगंगा नदी बहती है जो दूधा तोली से निकलती है. और यहाँ पे जो हमारे इसे हम गिवाड़ घाटी के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पे जो फसल है, यहाँ पे धान और गेहूँ की फसल बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होती है. और यहाँ पे जो है आम नाशपति वगैरह की जो ये है फसलें हैं ये भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ होती है. और यहाँ का मौसम थोड़ा सा गर्म है, जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं रानीखेत हिल स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है, बर्फीली हवाएं चलती हैं. लेकिन यहाँ ये घाटी है तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म मौसम है. और यहाँ पे जो पहले जब पहले की बात कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे कत्यूरी राजाओं की जो थी उपराजधानी जो थी वो बैजनाथ. और जो उपराजधानी जो है वो यहाँ हमारी गिवाड़ घाटी थी. तो जो भी ये है यहाँ पहाड़ी जो लोग यहाँ घूमने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए एक बात बताऊंगा कि यहाँ आओगे तो आप यहाँ की जो फसलें हैं और यहाँ मैदानी जो एरिया है इसको देखकर आप बहुत प्रसन्न होंगे. इसलिए आप कभी भी इधर आए तो यहाँ घूम के यहाँ यहाँ के दृश्य से मनमोहन जो है वो अपना बढ़िया तरीके से यहाँ घूमने आए यहाँ. बिल्कुल, तो ये थे दीपू भैया, ये मेरे भाई हैं. ठीक है, और टीचर हैं. अपने स्कूल का नाम तो बताओ भैया. मैं GIC कुसरानी तल्ली. यस, सो इज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर चमोली. बस तो ये था इस जगह के बारे में, बहुत सुंदर जगह है. Thank you.
हाय एवरीवन, वी आर बैक हियर। ये मेरे मामा की शॉप है कपड़ा में, और इनकी नहीं है, मतलब बड़े मामा की है, ठीक है। बाकी इसका नाम बताओ जल्दी से, चलो। गजब बेइज्जती है। कबड़वाल मिष्ठान भंडार, जरूर आए यहाँ पे, बहुत अच्छी शॉप है, इनफैक्ट बेस्ट है, सभी आते हैं। डज नॉट नीड एनी प्रमोशन, यू कैन हैव अ लुक एट द बैक। ये रोज के इंसान है, इनके लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। इज गेटिंग बोर्ड वंस अगेन, जस्ट स्पेंडिंग हिज डे एज ही यूज्ड टू। और क्या चल रहा है? बढ़िया, फॉग चल रहा है। नाइस, इसको इसको 50 रुपए दे दे बनाने के लिए। हां, इतने बना लगे 50 रुपए के कुछ नहीं आते। फ्रेंड्स यहां चार थैली और क्या देंगे। तैयारियाँ चल रही है, बहुत सारे कस्टमर भी आए हैं हुए हैं, एंड यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से, देख लीजिए, देख लीजिए, ये हमारी मार्केट, ये हमारी शॉप। सो ये सब पूरा यहाँ पर सही है, यहाँ पे कस्टमर आ रखे हैं स्वीट्स लेने के लिए। बहुत सुंदर लग रहा है यार, बेस्ट दिवाली एवर। गुड मॉर्निंग, से हाय। गजब बेइज्जती है। गुड मामा, चलो अब यहां बम फटाके फटेंगे फिर हम। नानी बोलो कुछ, बोलो बोलो। हैप्पी दिवाली। बहुत सुंदर लग रहा है यार, लाइटिंग भी काफी अच्छी है, मतलब बिल्कुल फील है दिवाली वाला। यू आर ऑन कैमरा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बना दिया आपने मंदिर, वाओ। फ्रेंड्स ये देखो क्या कर रहे हैं मामी, अभी हम सूप में दिए रख रहे हैं, दिवाली पूजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है ना यार। तो ये थी चांदनी मामी और उनका मंदिर, बहुत बढ़िया लग रहा है, वो नाइस। शुभ दीपावली, स्माइल। हाय नानी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। गांव का मंदिर जो कि काफी सुंदर लग रहा है, देखिए दूसरा मंदिर है। तो ये यहाँ प्राची दीदी अनार जलाते हुए एंड अभी करने की कोशिश करिए, बट इन्हें डर लग रहा है जलाने से ज्यादा। तो जब तक उसमें हल्की सी चिंगारी नहीं उठती हुई है, ये जल गया, यही उठाते हुए तन्मय जा, ये वाव।